गायत्री गायत्री गायत्री। हाँ कहिए। अरे कहिए, कब से आवाज दे रहा हूँ मैं? सुन रही थी मैं। सुन रही थी, फिर जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे लगा मेरा पति मुझे आवाज दे रहा है। हाँ? मुझे क्या पता था कि वो एसपी साहब की आवाज थी। अच्छा। वरना आपकी आवाज सुनकर जैसे आपके जूनियर दौड़े आते हैं वैसे मैं भी आ जाती। वाह जनाब वाह जनाब, दलील तो बहुत अच्छी है। पहले तो सिर्फ वकील थी, मुकदमे लड़ती थी, अब तो मजिस्ट्रेट हो गए ना। नई नई दलीलें क्यों नहीं सीखेंगी। अच्छा ये बताइए, इतना चिल्ला चिल्ला कर जो मुझे समन भेजा था वो किस लिए? हाँ वो हमारी बेटी का है। बेटी तो स्कूल चली गई है। और सूरज? सूरज सूरज तो आसमान में है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, आप तो बहुत अच्छे मूड में लग रही। मैं आपके चहीते देवर की बात कर रहा हूँ, आसमान के सूरज की नहीं। वो बेचारा तो नौकरी की तलाश में है। कितनी अजीब बात है नहीं, हम दोनों इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, लेकिन उसे एक नौकरी नहीं दिलवा सकते। एक बात कहूँ गायत्री, सूरज को अपनी नौकरी खुद ही तलाश करनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई इंसान अपनी मेहनत अपनी लगन अपनी कोशिशों से अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। वैसे मेरे भाई को मेरे नाम मेरे पोस्ट मेरी मदद की नहीं बल्कि आत्मविश्वास की जरूरत है। वैसे भी सूरज को मांगे का उजाला भाता नहीं। अरे वाह क्या खूबसूरत लड़की आई है। हाँ गुरु। चलो उठाते हैं। चल यार। क्या बदतमीजी है ये? अबे दामाद की हरकत को बदतमीजी कर। इतना लंबा आदमी वर्दी पहनकर तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम पूछ रहे हो कि कौन है बे? इस वर्दी का क्या है, आजकल तुझे उधार भी मिलती है। आज की दुनिया में कोई कफन भी उधार में नहीं देता। तुम वर्दी की बात कर रहे हो? आगे मत बढ़ना। पीछे हट गया तो इस वर्दी का अपमान हो जाएगा। इसपी का मतलब जानता है? मतलब होता है पुलिस। इसका दूसरा मतलब भी है जो तुझे यहां से ले जाते वक्त समझाऊंगा। और एक मतलब होता है पिटाई, समझ गया ना? तो बता तेरी और पिटाई करूं या हवालात में ले जाऊं? हवालात में तो तुम्हें चलना पड़ेगा मिस्टर सूरज, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में ना होते हुए ये वर्दी पहनी है तुमने। कानून को तुमने तोड़ा है, गिरफ्तार करो इन दोनों को। अरे इतनी देर कहां लगा दी? तुम्हारे लाडले देवर को जमानत पर छुड़ा कर ला रहा हूं। जब देखो मारपीट, जब देखो मारपीट। खुद तो कोई काम करता नहीं, मुझे भी नौकरी से निकलवा कर रहेगा एक दिन। ये आप क्यों नहीं कहते
कि आप मुझे नौकरी दिलवाना नहीं चाहते। मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूं, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल बिना सिफारिश के कोई नौकरी नहीं मिलती। मेरे लिए सिफारिश करने में आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती क्या? क्यों करो सिफारिश? पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बना दिया तुमको। जाओ अपनी काबिलियत के दम पर नौकरी ढूंढो, संघर्ष करो। भैया, मेरे जैसे लाखों काबिल नौजवानों की जिंदगी संघर्ष करते करते अमावस की काली रात बनकर रह गई है, जिसमें हर रोज सपने जन्म तो लेते हैं लेकिन सुबह होती मर जाते हैं। तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो या इस घर में रोटियां तोड़ सकते हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। ये क्या हो गया है तुम दोनों का आज? चुप कीजिए ना। कैसे चुप करो? जानती हो उसने क्या किया? मेरी वर्दी पहनकर गुंडे से मारपीट की, मेरी रिवॉल्वर से गोली चलाई। अगर वो गोली किसी को लग जाती तो मेरी तो नौकरी जाती, इसे फांसी लग जाती ना। ऐसे भाई से तो भाई का ना होना अच्छा है। ये क्यों हमारे जीवन में जहर घोलने पर तुला हुआ है? पूछो, पूछो अपने लड़ने से, क्यों हमारे घर को बर्बाद कर रही है? ठीक है, अगर मेरी वजह से यह घर बर्बाद हो रहा है तो मैं आज इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। सूरज, सूरज, तू पागल हो गया है? अपना घर छोड़कर कोई जाता है क्या? अपनों ने इस घर में ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी हैं भाभी, इससे पहले कि इन दीवारों में रिश्तों का दम टूट जाए, मेरा यहाँ से चला जाना ही अच्छा है। रोकिए नहीं इसे। जाने दो इसे। सर पर जब छत ना होगी तब इसे पता चलेगा कि आसमान पर जलते हुए सूरज की धूप किस तरह जिंदगी को रेगिस्तान बना देती है। आपका अपना गुलिस्तान मुबारक, मैं रेगिस्तान में रहने की आदत डाल लूंगा। सूरज रुक जा, आज मुझे मत रुको भाभी। मैं इस घर में उस दिन वापस आऊंगा जिस दिन मेरे वजूद की वजह से इस घर का अपमान नहीं बल्कि सम्मान होगा। सूरज, सूरज, जाने दो से, वापस आ जाएगा। भाई होने के साथ साथ आप एक मर्द हैं, इसीलिए आप कठोर हैं, लेकिन उसकी भाभी होने के साथ साथ मैं एक औरत हूं, इसीलिए मेरे मन में ममता है। तुम्हारी ममता को तो वो ठोकर मारकर चला गया, भूल गई वो जख्म? ममता तो दिल की चार दीवारी में रहती है,
अपनों की ठोकर उसे कभी जख्मी नहीं करती। तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से वो ऐसा बन गया है, पता नहीं कब सुधरेगा। हमने उसे सुधरने का मौका ही नहीं दिया। 3 साल पहले जब वो ये घर छोड़कर चला गया था, अगर उसी दिन आप उसे रोक लेते तो आज हालात शायद कुछ और होते। गायत्री, कुछ लोगों के लिए वक्त बदलता है, हालात नहीं। मेरा छोटा भाई सूरज भी उन्हीं लोगों में से एक है, और इन 3 सालों में उसने क्या क्या किया ये ना तुम जानती हो ना मैं। भगवान ने हमारा ट्रांसफर भी करवाया तो ऐसी जगह जहां तुम्हारा लाडला देवर बेशर्मी की जिंदगी जी रहा है, और तुम हमेशा उसकी तरफदारी करती रहती हो। हाँ करती हूँ, क्योंकि उसकी आंखों में वो रिश्ता आज भी जिंदा है जिसे वो इस घर की चौखट से ले गया था। हाँ, शायद वो यही चाहता है कि मैं उसके सामने झुकूं, जो मुझसे नहीं होगा। मैं उसका बड़ा भाई हूं, छोटा होने के नाते क्या वो घर लौटकर वापस नहीं आ सकता? ईट गारे का घर एक बार टूट जाए तो दोबारा बन सकता है, रिश्तों का घर टूट जाए तो उसे बनते बनते बहुत वक्त लग जाता है। साहब, साहब। क्या हुआ, कोई खून किया क्या? नहीं साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। देखो घबराओ नहीं, साफ साफ कहो क्या हुआ है। साहब मेरा नाम रणवीर सिंह है, मैं मंगल सिंह साहब का ड्राइवर हूँ साहब। मंगल सिंह साहब, आज जब मैं गोदाम से डिलीवरी लेके निकला तो पता चला दवाई की जगह में पूरा ट्रक ड्रग से भरा हुआ है। अच्छा? हाँ साहब। साहब मैं गरीब आदमी हूँ, शादीशुदा हूँ साहब, इसलिए मैं पूरा ट्रक आपके पास ले आया हूँ, आप मुझे बता लीजिए साहब। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, मैं जानता हूँ कि खून पसीना बहाकर रोजी रोटी कमाने वाले कभी गैर कानूनी काम नहीं करते, और तुमने तो कानून की मदद की है। आओ मेरे साथ चलो, आप चलो चलो। क्या बात है साहब? बात तो ऐसी है कि तुम सबको हवालात पहुंचा सकती है। ट्रक में दूसरे माल के साथ ड्रग्स छुपाकर सप्लाई करने की चाल तो बहुत अच्छी है, मगर जुर्म ना कभी छुपता है और ना कभी पनपता है। तुम्हारे ड्राइवर की नजर उस छुपे हुए माल पे पड़ गई और उसने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी। कहाँ है तुम्हारा मालिक? मालिक तो पूजा कर रहे हैं, मैं देखता हूँ शायद पूजा खत्म हो गई। जल्दी 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 बुला लाओ। मंगल साहब, हमारे ड्राइवर ने ट्रक में छुपे माल को देख लिया है और पुलिस में कंप्लेन कर दिया है। इंस्पेक्टर शक्ति साहब आए हैं। एक अच्छे शहरी की यही निशानी है, हम नहीं चाहते कि इंस्पेक्टर शक्ति हमारा इंतजार करे, हम कानून की बहुत इज्जत करते हैं। कैसे हो इंस्पेक्टर? अच्छा हूँ मंगल दादा, बहुत अच्छा हूँ। आप जैसे महान लोगों का जिसके सर पे हाथ हो उसको क्या परेशानी हो सकती है जी। मंगल दादा, आपके ड्राइवर ने सब कुछ सुन लिया है मैंने। हमें ऐसे आदमियों को मिलकर बड़ी खुशी होती है जो अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं। मगर शक्ति सिंह, जिस पर हम खुश होते हैं ना, उस पर हमारे सखावत के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाते हैं। टू गुड मंगल दादा, टू गुड। और जो मालिक के नमक का हक अदा नहीं करता उससे मंगल सख्त नफरत करता है, और जिससे मंगल नफरत करता है वो उसके लिए मौत के दरवाजे खोल देता है। अरे बापू 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 बापू, ये तुमने क्या कर दिया पाटिल? फैसला कर दिया नीलकंठ, देखते रहे। कानून का आदमी हमारे दरवाजे पर फरियाद लेकर आया है। मगर मंगल साहब, ये कैसा फैसला है? अरे अदालत में तो फिर भी सुनवाइयां चलती रहती हैं, मगर तुमने तो पहली पेशी में इसका फुल एंड फाइनल कर दिया। कानून के सामने ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। अरे तुम भी कमाल के पुलिस ऑफिसर हो यार, एक तो वर्दी पहनकर रखी है और जुर्म आंखों के सामने होते हुए भी तुमको मुड़कर खड़े होने नहीं आता। क्या करूं बाबू, रुपयों की चमक से आंखें चौंधिया गई थी, मैंने कुछ नहीं देखा। तुमने नहीं देखा मगर दूसरे भी तो हैं।
पुलिस डिपार्टमेंट में अकेले तुम ही फुल एंड फाइनल ऑफिसर थोड़े ही हो। तुम काहे फुल एंड फाइनल के चक्कर में पड़ते हो चरणदास? पुलिस को अपना काम करने दो, तब तक हम अपने फॉरेन के टूर को फुल एंड फाइनल करते हैं। इस शहर में पंक्चर की इतनी दुकानें हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग यहीं क्यों मरने चले आते हैं। तेरे यहाँ मरेंगे तो सीधा स्वर्ग जाएंगे। कहो तो अभी स्वर्ग भेज दूँ? अभी तो सिर्फ हवा भर दे। लेकिन थोड़ी देर पहले तो तू हवा भरवा के गया था यहाँ से। क्या करूँ रामकली। ओए देखता क्या है, पैसे निकाल। ये ले। चल आगे बढ़। ए ये क्या है, ये साइकिल की दुकान है, कोई फुटबॉल का मैदान नहीं। हर रोज साइकिल में पंचर होने के कारण मेरी बीवी ने गुस्से से साइकिल के दोनों ट्यूब निकाल कर फेंक दी, इसीलिए मैं फुटबॉल ले आया। ले आया तो ले पकड़ इसको। ये तो बहुत फूल गया, बिल्कुल गोल हो गया, अब तो खेलने में मजा आएगा। चल चल पैसे निकाल और रास्ता नाप। चल रास्ता नाप। चाचा क्या हुआ? पंचर। तो गले में क्यों ट्यूब डाल रखी है? हाथ में बैठता नहीं इसलिए गले में ट्यूब डालता हूँ। लेकिन इसमें तो हवा है, पंचर नहीं है। हाय हाय, पंचर तो दिल में है। अपने हाथ इधर मेरे दिल के ऊपर रख दो, मेरी जिंदगी बन जाएगी। अबे ओ टकलू, सर पे बाल नहीं है और जिंदगी बनानी है, चल फुट यहाँ से। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। ए रामकली, ए छोटू साइकिल में हवा भर। हाय मेरे टॉप गियर, जब तक मैं तुझे देख नहीं लेती ना मेरी तो सुबह ही नहीं होती, शायद इसीलिए तेरा नाम सूरज है। तू कहती है तो नाम बदल के चांद रख लो। हाँ, फिर दोनों दरिया किनारे बैठ के गाने गाना। काश ऐसा हो जाए, लेकिन इसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। इतनी बार कहा है ट्रक का स्टेयरिंग छोड़कर मेरी जिंदगी का स्टेयरिंग संभाल ले, ले हाथ पकड़। पंचर लगाते लगाते तेरे दिमाग का पंचर हो गया है। अरे इसीलिए कहता हूँ कि रामायण पढ़ाकर आत्मा शुद्ध रहेगी। रामायण तो मेरे पास है नहीं, चल आज रामलीला देखने चलते हैं, आज राम और सीता का विवाह है। हाँ ये हुई ना कोई अच्छी बात। ए मगन तैयार हो जा, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। नहीं जी नहीं, मैं तो अपने घर में जाके तोबन के साथ ही रामलीला खेलूंगा। टिपरी टाइट। चाबी क्यों निकाल ली? रामलीला नहीं देखनी क्या? यहाँ रामलीला कहाँ है? अरे तू मेरा राम और मैं तेरी सीता, जब हम दोनों मिलेंगे तो रामलीला अपने आप हो जाएगी। देख रामकली तू परेशान मत कर, वरना मैं तुझे यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे जाओगी कैसे, चाबी तो मेरे पास है। ए, चाबी दे। ए, ए। नाचे रस्ते में
हर हफ्ते में एक लड़की नाचे रस्ते में, तू देख तमाशा सस्ते का रुपया लेने आई हूँ। कैसे रुपए? मेरे पति की मौत आपका ट्रक चलाते वक्त हुई थी, उसी का हर्जाना लेने आई हूँ। दे तो दिए थे 5,000 रुपए। 5,000? आपने तो 1,00,000 रुपए देने का वादा किया था। 1,00,000 रुपया? एक मामूली ड्राइवर के लिए 1,00,000 रुपया हमने वादा किया था। जरूर उस वक्त हम नशे में नहीं रहे होंगे, वरना इतनी बड़ी गलती हम कैसे कर सकते हैं। जाओ, हमारा नशे का भंग मत करो, जाओ। नशे में अपने अंजाम को मत भूलो बापू। अगर हर्जाना नहीं मिला तो अदालत का दरवाजा भी है और मजदूरों की ताकत भी। जरा बाहर मुड़कर तो देखो। गरीबों का हक जो दबाएगा, मिट्टी में भी जाएगा। गरीबों का हक जो दबाएगा, मिट्टी में भी जाएगा। नीलकंठ मुर्दाबाद, नीलकंठ मुर्दाबाद। गरीबों को हक दो, गरीबों का हक जो दबाएगा, मिट्टी में भी जाएगा। नीलकंठ मुर्दाबाद। गरीबों को हक दो, गरीबों को हक दो। गरीबों का हक जो दबाएगा, मिट्टी में भी जाएगा। गरीबों को हक दो, नीलकंठ मुर्दाबाद। नीलकंठ मुर्दाबाद। गरीबों को हक दो, नीलकंठ मुर्दाबाद। गरीबों को हक दो, नीलकंठ मुर्दाबाद। गरीबों को। अरे इन सबको साथ में लाने की क्या जरूरत थी? वैसे जरूरत थी, वरना हमें कैसे पता चलता कि आज का मजदूर जाग उठा है, अपना हक लड़कर लेने लगा है। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कल अपने पैसे लेकर जाना, ठीक है जी। लेकिन सुनो, कल इन सबको साथ में लेकर आना, क्योंकि मैं बहुत कमीना इंसान हूं, हो सकता है मैं फिर से भूल जाऊं। क्या हुआ बहन? लगता है मजदूरों की ताकत का पता चल गया है। कल सुबह बुलाया है रुपया लेने के लिए। चलो चल चलते। चलो भाइयों चलो। तुमने कुछ देखा इंस्पेक्टर? हाँ बापू देखा, आप जैसे इंसान को ताकत के सामने टूटते देखा। इसे टूटना नहीं, लचक कहते हैं। रुपए तो हमें देने हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद इतनी देर में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो फिर खड़े क्यों हो भाई? वर्दी पहनते वक्त तुमने शपथ ली थी कि कानून के खिलाफ काम करने वालों पर तुम रहम नहीं करोगे। टू गुड बाबू, टू गुड, चलता हूं।
कितने अच्छे से खेल रहे हैं बच्चे, सही में कितने मासूम होते हैं बच्चे। इंस्पेक्टर साहब, आप? साहब, साहब, मुझे माफ कर दो साहब, इसने मुझे फंसाया। और साहब और साहब, मैंने इसको 500 रुपए भी दिए साहब। साहब साहब, ये झूठ है, मैं इसे जानती तक नहीं साहब। टू गुड टू गुड। अरे चल, लगता है इसने बाबू की रिश्वत खाई है और इस बेचारी औरत को फंसा दिया है। अब मुझे जाके सूरज को बताना ही पड़ेगा, वो इसकी टिबरी टाइट करेगा। इस चरणदास को बापू के चरणों की कसम। इंस्पेक्टर साहब, आपने जो ड्राइवर की बीवी का फुल एंड फाइनल किया है, दूसरा कोई इंस्पेक्टर कर ही नहीं सकता था। अरे इसीलिए तो शक्ति सिंह हमारा खास आदमी है। शक्ति सिंह, तुमने जो हमारे लिए काम किया है, हम बहुत खुश हैं। और इसी खुशी में हमने आपको दावत पे बुलाया है। और ऐसी ऐसी डिशेस बनाई हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें चमक उठेंगी। टू गुड। ये सब मेरे लिए? अजी, ये सब भी आप ही के लिए है, लेकिन यही फुल एंड फाइनल नहीं है। शक्ति सिंह, तुम इसी तरह हमारे लिए काम करते रहो, हम तुम्हें इसी तरह दावत पे बुलाते रहेंगे। ऐसा ही होगा बापू। थैंक यू वेरी मच। इंस्पेक्टर शक्ति सिंह अंदर क्लब में जुआ खेल रहा है, जरा उसकी टिबरी टाइट कर दो। 5,000 तो सूरज, ट्रक ड्राइवर सूरज। ये इंस्पेक्टर शक्ति सिंह है। जान की सलामती चाहते हो तो उधर ही रुक जाओ। सूरज की चाल ना कभी रुकी है और ना ही आज रुकेगी। नाम के किसी ट्रक ड्राइवर ने हमारे आदमी इंस्पेक्टर शक्ति सिंह पर हाथ उठाया है। बापू, उसे पता नहीं होगा कि वो आपका आदमी पता है। नहीं है तो पता होना चाहिए उसे कि हमारे आदमी पर हाथ उठाने का मतलब है हम पर उंगली उठाना और हम पर उंगली उठाने का अंजाम उसका फुल एंड फाइनल। मगर बापू, ये सूरज है कौन?
अरे तू अभी तक सोई नहीं बेटी? मम्मी प्लीज मुझे कहानी सुनाओ। आज मेरा मन नहीं है बेटी, और रात भी बहुत हो गई है, तू जाके सो जा। जा। गुड नाइट। गुड नाइट। गायत्री, मुझे बुलाया? हाँ, जानती हो तुम्हारे लाडले देवर ने क्या किया? क्या किया? एक पुलिस ऑफिसर की पिटाई कर दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया? नहीं, अच्छा हुआ गलती पुलिस ऑफिसर की थी, इसलिए बच गया। आपके बताने से पहले ही मैं जानती थी, इसमें सूरज की कोई गलती नहीं हो सकती। उसका तरीका गलत होता है, लेकिन वो नहीं। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल जरूर करता है, लेकिन हमेशा जुल्म के खिलाफ। बंद करो ये अंधा लाड़ प्यार गायत्री, प्लीज। एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम्हारा प्यार मकड़ी का एक ऐसा जाला है जिसमें सूरज का उजाला कैद होता जा रहा है। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्या करूं मैं, कुछ गम ऐसे होते हैं जिन्हें सीने में छिपाने की कोशिश करूं तो आंसुओं की शक्ल में बाहर आ जाते हैं। ए, अपनी आंखों से कह दो कि आंसुओं को अलविदा कह दे। अब मूड ठीक करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूं। सूरज, भाभी। सूरज, तुम्हारे मुंह से ये भाभी शब्द सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा है, मैं तो सोच रही थी तुम मेरी ममता का आंचल ही भूल गए हो। कैसे भूल सकता हूँ भाभी, उसकी छांव ना होती तो जिंदगी के सफर की धूप मुझे जला देती। आओ ना। बहुत अकेले तूने सफर किया है ना, अब चलो मैं तुझे घर लेने आई हूँ। चलो। आप और भैया ठीक तो है ना? मैंने तुझे घर चलने के लिए कहा है। एक सवाल पूछूं भाभी? घर चलकर पूछ लो। घर पहुंचकर इस सवाल का शब्द अपनी आवाज खो देगी। पूछो। अगर एक अकेली कश्ती समंदर के बीच हो और तूफान आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए? उसे किसी भी तरह साहिल तक पहुंचना चाहिए। मेरे हिस्से का तूफान तो निकल चुका है भाभी, लेकिन मंजिल अभी तक नहीं मिली। याद है भाभी, घर छोड़ते वक्त मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसी दिन घर वापस लौट कर आऊंगा जिस दिन मेरे वजूद की वजह से घर का अपमान नहीं सम्मान बनेगा। मुझे मजदार में से मत खींचो भाभी। ठीक है, जब तुम साहिल पे पहुंचोगे तो उसी साहिल पे तुम्हारी भाभी तुम्हारा इंतजार करती मिलेगी। दोनों हाथों से आशीर्वाद दो भाभी, बहुत दूर तक जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि आशीर्वाद कम पड़ जाए। अब चलती हूं, यहां और रुक गए तो वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे सूरज का ख्याल रखना। अरे मैं हूं क्लीनर तो मेरी बीबी तो बन, और मेरी बीबी तो बन का देखो जो बन। अरे वाह, कितना सोना कुर्ता है, मजा आ जाएगा कुर्ता पाके। तू आज भी किसी और का कुर्ता पहन रहा है? ओ तो देख सही, ये कुर्ता मैंने पहन लिया ना, सब्जी टिबरी टाइट हो जानी आज। ये देख मैं कुर्ते में कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। तू एक शर्त पर ये कुर्ता पहन सकता है। कौन सी शर्त?
तू आज मेरे कपड़े ले जाना। क्यों, तुझे क्या तकलीफ है? दोपहर हो गई और बाजार में बहुत भीड़ होती है, वहाँ पर ना बहुत धक्के लगते हैं। ये हिम्मत तेरी, तुम किससे बात कर रहे हो? वो देखो ना, वो औरत मुझे खाली कनस्तर बोल गई। अरे खाली होगा उसका बाप, मैं तो परा हुआ हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे कितने फवारे पड़ते हैं। चलो पिक्चर चलते हैं। कौन सी पिक्चर दिखाओगी आज? अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। मजा आ जाएगा, चलो मेरे कपड़े निकालो। ये कपड़े निकालने के लिए नहीं कह रहा, अंदर से दूसरे कपड़े निकालो बाबा। ठीक है, जब देखो तब शुरू हो जाती है। कपड़े का नाम लो बस, मैं भी बस तैयार होके आता हूँ। टिबरी टिली, टिबरी टिली हो गई। कपड़े या तोबी के कपड़े या। कमाल है, इतनी बड़ी दुकान है और दुकान में कोई भी नहीं। मौका चंगा है मक्खन सिंह, बैती गंगा है, तू भी हाथ धो ले तो अपन खुश हो जाएगी। ये क्या है, परिवार नियोजन? सुनिए जी, सुनिए, जरा ये हुक तो लगाना जी। वो ये हाथ में क्या है? ये पापा, परिवार नियोजन। लेकिन अपना तो परिवार ही नहीं है, तो ये किस लिए? मैं चलता हूँ। अरे अरे, पहले हुक तो लगाओ। ठीक है, आप इसको पकड़ो। अरे मैं यहाँ हूँ, ये तुम मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहे हो भाई? मैंने सोचा तुम हो, शक्ल भी तुम्हारे जैसी लगती है, कपड़े भी तुम्हारे पहने हैं। इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये उल्लू का पट्ठा एक ट्रक क्लीनर है। तुम्हें यहाँ पर क्या कर रहा है? कपड़े देने आया था। कपड़े देने आया है या चोरी करने आया है? और ये मेरा कुर्ता क्यों पहन रखा है? मुझे क्या पता ये आपका कुर्ता है। चल उतार कुर्ता। ठीक है, घर जाऊंगा। ले, दोबारा अगर मैंने तुझे ये कुर्ता पहने देख लिया ना, तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। टिबरी टाइट कुर्ता क्या, मैं तो तुम्हारी बनियान भी नहीं पहनूंगा। बेवकूफ जनानी, अरे तुझे तो ख्याल रखना चाहिए था ना। तो क्या हो गया, मैंने तो उसे हुक लगाने को कहा। आज हुक लगाने को कहा है, कल हुक खोलने को भी कह सकती है ना। है, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं कुछ कर दूंगा। करो ना। मैं कुछ कर दूंगा। करो ना। कर दिया। कर दिया। यही तो प्रॉब्लम है, मैं कुछ कर नहीं सकता। मुझे मालूम है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी ढीली। क्या बात है शक्ति सिंह, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। टू बैड बापू, मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड ही हुए हो ना, फुल एंड फाइनल तो नहीं हुआ? चरणदास। सॉरी बापू, अब मैं अपनी बोलती का ही फुल एंड फाइनल कर देता हूँ। किसने किया सस्पेंड तुम्हें? एसपी रमाकांत ने, उस हरामजादे सूरज ने मेरा सारा भांडा फोड़ डाला। अभी तो मैं सस्पेंड हुआ हूँ बापू, सिर्फ सस्पेंड। अगर इस जहरीले कांटे को आपने पीस नहीं डाला तो आपकी जागीर के बैरान को हमेशा चीरता रहेगा। जिस कांटे का तुम जिक्र कर रहे हो ना शक्ति सिंह, वो तो मोम का बना हुआ है, उसे पिघलने के लिए हमारे गुस्से की एक चिंगारी ही काफी है। धीरज रखो, वक्त आने पर वो अपना कमाल दिखाएगा।
अच्छा तो तू आखिर रोक ही ली ना गाड़ी, कहाँ जाओगी मुझे छोड़कर? कैसा लगा मेरा हॉर्न बजाना? ए हॉर्न की बच्ची नीचे उतर। कैसे उतरूं? अरे जैसे चढ़ी थी। ओफो, चढ़ना तो आसान होता है। ये देख सीधी तरह से नीचे उतर वरना पटका दूंगा तेरी तो। Got it.
बहुत गर्मी है, गर्मी से टिबरी टिली हो गई, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। यहाँ बैठकर तू क्या कर रहा है? तेरे कपड़े लेकर आती हूँ। अरे कमाला, ये मेरा कार है भाई, मैं तेरा पति हूँ। प्यारा तू? हाँ मैं तेरा प्यारा सुनू भाई। तो तूने कुर्ता क्यों उतारा? गर्मी कितनी है, गर्मी से टिबरी टिली हो रही है, छू के देख मेरा बदन कितना गर्म है। बहुत गर्म है, चलो अंदर आ जाओ। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, अंदर जाते मेरी सारी गर्मी हवा हो जाएगी। ठीक है, यहीं बैठो, तुम्हारे लिए पानी मिलाती हूँ। ठीक है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, टिबरी टिली हो गई, मैं भी जरा हाथ मुंह धो लूं। अरे रब्बा, कमाल है यार मक्खन सिंह, जुगल गीत गाने के चक्करों में क्लीनरी छोड़कर तोबन की नौकरी करनी पड़ रही है। टिबरी टाइट कर दिया उसने, अगर कहीं गुरु ने नौकरी से निकाल दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे यार। लो पानी पी लो। कितना पसीना आ रहा है, ये ताबीज कहाँ से आ गया? ओए, अब मैं तो यहाँ हूँ, किससे बातें कर रही है? टिबरी टिबरी, तू फिर यहाँ आ गया? टिबरी टाइट, मैं तो कपड़े देने आया था, तो फिर तूने कुर्ता क्यों नहीं पहना? आपने तो कहा था कि अगर मैंने कुर्ता पहना तो आप गोली मार दोगे, और अब अगर तुझे नंगा देखा ना तो भी गोली मार दूंगा। भाग यहाँ से, टिबरी टाइट, टिबरी टाइट का बच्चा, और तेरा भी कमाल है टिबरी टिली, तुझे अपने और पराए मर्द में फर्क नजर नहीं आता? कैसे फर्क नजर आएगा, दोनों की शक्ल एक जैसी है। ये ऊपर वाले ने भी दोनों की शक्ल एक जैसी बनाकर मुसीबत खड़ी कर दी है। मेरी समझ में नहीं आता, दोनों की शक्ल एक जैसी कैसे? ये एक बहुत लंबी कहानी है। मुझे बताओ ना। मक्खन सिंह की माँ हमारे घर में बर्तन धोने के लिए आया करती थी। मेरे पिताजी उसको खाने पीने के लिए दिया करते थे, लेकिन एक दिन वो जिस थाली में खाती थी उसने उसी में छेद करा दिया। मतलब? उन दोनों में चनक चनक पायल बाजे हो गया। ये चनक चनक पायल बाजे क्या होता है? ये वही होता है जो हम दोनों में नहीं होता है। टिवरी टिवरी। इस जगत में चनक चनक पायल बाजे होता है, एक दिन अपना भी होगा। नहीं वो ठीक है, वो तो कर लेंगे, सामान तो पहुंचाना पड़ेगा। सब सामान लोड हो गया, गाड़ी लेके जाओ। ठीक है। बापू, जैसा आपने कहा था वैसा ही माल के साथ साथ उन चीजों को भी भर दिया, लॉरी निकल भी गई। हेलो। अच्छा हुआ साहब आप फोन पर मिले, आपको एक बहुत जरूरी खबर देनी थी। हाँ? कैसी खबर साहब? अभी अभी एक ट्रक जिसमें स्मगलिंग का माल भरा हुआ है तैसर नाके के तरफ रवाना हुआ है। ट्रक किस कंपनी की है? कंपनी का नाम तो मालूम नहीं है साहब, लेकिन उस ट्रक का नंबर है MCC 4557। तुम कौन हो और कहां से बोल रहे हो? SP साहब, आम खाने से मतलब रखो, पेड़ क्यों गिन रहे हैं आप? और हाँ, उस ट्रक ड्राइवर का नाम है सूरज। हेलो हेलो। अब फुल स्पीड खिंच दे गुरु, खिंच दे, और तेज और तेज, गड्डी चांदी ये छलांगा मारती, मन याद आए मेरे यार दी, टिबरी टाइट, गड्डी चांदी। ओ गुरु, ओ ब्रेक मार, तेरा पटाका, ओ तेरा बम्प। तू बार बार क्यों मुझे तंग करती है? क्योंकि तू मुझे तंग नहीं करता, तू भी मुझे एक बार तंग करना। तू तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है। मैं तो तुम्हारे आगे भी पढ़ने को तैयार हूँ, पर तू पढ़ने दे तब ना। हे भगवान, कब इस मुसीबत से पीछा छूटेगा? छुटकारा मिल सकता है, पर मेरा एक काम कर देना। क्या है? मुझे लिफ्ट चाहिए, मुझे भी उस तरफ जाना है। बस बस बस, लेकिन एक शर्त पर। क्या? तू गाड़ी के अंदर नहीं ऊपर बैठेगी। ये हुई ना बात। ध्यान से ध्यान से, गिर गई तो मैं जिम्मेवार नहीं। ध्यान से चल गुरु, फुल स्पीड चल। गुरु, ये पुलिस किस लिए आ गई है?
नीचे उतरो। चल देखते हैं। क्या बात है भैया? भैया नहीं, तुम इस वक्त एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे हो। ओह, आई एम सॉरी। क्या मैं पूछ सकता हूँ एसपी साहब, हमें रोका क्यों गया है? तुम्हारी ट्रक की तलाशी लेनी है। तलाशी मेरे ट्रक की? लेकिन क्यों? देखो, हमने तुम्हारी छोटी मोटी गलतियां अक्सर नजरअंदाज की हैं, लेकिन आज हमें पक्की खबर मिली है कि तुम्हारी ट्रक में स्मगलिंग का माल है। तलाशी लो। सर, क्यों हमारी टिपरी टाइट कर रहे हो? क्या कुछ नहीं मिलेगा आपको सर जी? नहीं सर। अच्छा चलो चलो। खाम खा 15 मिनट की टिपरी टाइट कर दी, कुछ नहीं मिला सर। एक मिनट एसपी साहब, जाते जाते ये तो बताते जाइए कि आप हमें जाने की इजाजत है। चलो। मैं ये सोच रहा था कि अगर वाकई हमारे ट्रक में से माल निकल आता तो हमारी तो टिपरी टाइट हो जाती है। अरे गुरु, वो लड़की कहाँ गई? कौन सी लड़की? अरे रामकली, जिसको ऊपर बिठाया था। अरे हाँ, भैया के चक्कर में उसके बारे में तो भूल ही गया था, कहाँ गई वो? चलो अब गई तो जाने दो, पर ये सोचो कि हमारे बारे में पुलिस को झूठी खबर किसने दी, टिपरी टाइट। आपने सूरज पर शक करके अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया गायत्री? इस किस्म की इन्फॉर्मेशन पर हमें एक्शन तो लेना ही पड़ता है ना। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आखिर झूठी निकली ना। अरे मानता हूँ इन्फॉर्मेशन झूठ निकली है। अच्छा तुम्हें बताओ, अगर फोन पर तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन दे तो तुम इसलिए खामोश बैठे रहोगी कि वो तुम्हारा भाई है? हा? बात भाई या बेटे की नहीं, भरोसे की है। और मैं देख रही हूँ तुम्हारा सूरज पर से भरोसा बिल्कुल उड़ गया है, आखिर क्यों? अरे तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? उसे तो हमारी इज्जत का ख्याल नहीं रहा। अरे उसे इस बात का एहसास भी नहीं रहा कि वो किस खानदान से ताल्लुक रखता है और किसका भाई है। बात जहाँ एहसास की है वहाँ सूरज के अहम की भी है, जिसके लिए वो ये घर छोड़कर चला गया है। और अब अगर वो अपने दम पर कुछ बनने की कोशिश कर रहा है तो मुझे यकीन है कि वो जरूर कामयाब होगा। लेकिन मैं सोच रही थी कि वक्त गुजरने के साथ साथ भाई भाई के बीच की ये दरार खत्म हो जाए, लेकिन ये दरार तो गहरी होती जा रही है। पता नहीं गायत्री, मैं भी नहीं जानता कि तकदीर हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रही है। तुमने अपनी आंखों के सामने गाड़ी में माल लोड होते हुए देखा है? जी हाँ बापू, माल लोड करने वाले को पैसे भी मैंने दिए थे। बापू आपको मुझ पर कोई शक? अरे नहीं, मुझे तुम पर कोई शक नहीं। मैं तो सिर्फ इस बात से हैरान हूँ कि आखिर ये माल गया कहाँ। बापू इस बात की हैरानी तो मुझे भी हो रही है, आखिर ये माल गया कहा? आज अगर हम कामयाब होते ना तो एक भाई ने दूसरे भाई को हथकड़ी पहना दी होती। हाँ, और दोनों भाइयों का फुल एंड फाइनल हो गया होता। हेलो, तुम इस बात से परेशान हो गए कि ट्रक से तुम्हारा माल कहाँ गायब हो गया? वो मेरे पास है। कौन हो तुम? मेरा नाम जानने के लिए तुम्हें बहुत देर लगेगी, और जब जानोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जानती हो किससे बात कर रही हो तुम? जानती हूँ, तुम वही हो जिसने मुझे लड़की से घायल नागिन बना दिया है। मेरा दर्द अब जहर बन चुका है, और ये जहर अब तेरे धंधे में और तेरी जिंदगी में फैलेगा, ये मेरा वादा है। चल पैसे निकाल। ये लो। भाग यहाँ से। सुनिए जी, मिस्टर सूरज यहाँ रहते हैं? हाँ यहीं रहता है। सूरज, ये मुझे पंचर लगाने वाली कौन आ गई? ए सुनो, तुम सूरज से मिलने आई हो? हाँ।
क्या काम है? मैं उसी को बताऊंगी। पर तुम रहती कहाँ हो? कोल्हापुर। तो फिर यहाँ क्या करने आई हो? रहने के लिए। कहाँ? सूरज के साथ। क्या? हाँ। सूरज आप है ना? हाँ जी, लेकिन आप? मेरा नाम सपना है और मैं कोल्हापुर से आई हूँ। आपके नाम ये चिट्ठी। मिस्टर सूरज, मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए छुट्टियां बिताने अपने गांव आ रही है, और तुम तो जानते ही हो गांव में मेरा एक ही मकान है जिसमें तुम लोग किराए पे रह रहे हो। इसलिए मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए अमानत के तौर पर तुम्हारे साथ रहेगी। इसका पूरा ख्याल रखना, ये दिल की बहुत कमजोर है, इसलिए किसी बात पर इसका दिल मत दुखाना। तुम्हारा मकान मालिक जमुना दास। आइए आइए, ये आप ही का घर है, आप जब तक चाहे रह सकती हैं। नहीं, 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 ये यहाँ नहीं रह सकती। देखिए, अगर मेरे यहाँ रहने से कोई दिक्कत होती हो तो मैं वापस चली जाती हूँ। हाँ, यही ठीक है। अरे ये कान खोल कर सुन लो, ये यहीं रहेगी, तुम यहाँ से चली जाओ। क्या कहा? मैं यहाँ से चली जाऊँ? जी हाँ, ये घर की मालकिन है और जब तक चाहे रह सकती है। आइए आइए आइए। थैंक यू। आइए। आपने उसका दिल दुखा कर ठीक नहीं किया। अरे फिक्र मत कीजिए, पाँच मिनट में इसका मूड ठीक हो जाएगा। आइए आइए। शाम कली, जल्दी जल्दी हवा भरो। चलना, आज हवा हवा कुछ नहीं है, भागो यहाँ से तुम सब। चल यार, आज मूड खराब लगता है। तू मेरी शक्ल क्या देख रहा है? बंद कर दुकान को।
वेलकम वेलकम पार्टनर, वेलकम टू इंडिया। और सुनाओ दोस्त, काम कैसे चल रहा है? काम की रफ्तार तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये एसपी स्पीड ब्रेकर बनकर सामने खड़ा है। पता नहीं क्यों आजकल पुलिस डिपार्टमेंट को ईमानदारी का बुखार चढ़ा रहता है। ओए तुम चिंता मत करो पार्टनर, इन पुलिस अफसरों की ईमानदारी के स्पीड ब्रेकर पर रोड रोलर चलाने मंगल दादा आ गया है। या। पुलिस स्टेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विटनेस को मार दिया गया है, इसकी सफाई में क्या कहना चाहेंगे आप? हमने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, रिपोर्ट आने के बाद ही हम अगला कदम उठा पाएंगे। कानून एक कदम चलता है तो अपराधी 10 कदम चलकर उससे भी बहुत आगे निकल जाता है। शायद आज इसीलिए कानून एक मजाक बनकर रह गया है। अब ये देखिए, ये फाइल देखिए, कलेक्टर की वो जमीन जिस पर अंधे लोगों के लिए एक आश्रम बनने वाला था, उसी जमीन पर एक गुंडा गैर कानूनी तौर पर बंगला बनाकर उसमें रह भी रहा है। जब गुंडे ने बंगला बनाया तब आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आई एम सॉरी मैडम, ये बंगला मेरा यहाँ ट्रांसफर होने से पहले का बना हुआ है। अगर आपके ट्रांसफर होने से पहले बना है तो आपके ट्रांसफर होने के बाद अभी तक टूटा क्यों नहीं? आज ही टूट जाएगा। क्या एसपी रमाकांत ने हमारा बंगला तोड़वा दिया? हाँ मंगल दादा, मैजिस्ट्रेट ने एसपी रमाकांत को आपका बंगला तोड़ने का आदेश दिया और आपके सारे दारू कैंटीन के लाइसेंस भी रद्द करने के लिए कहा। मैजिस्ट्रेट, अब तुमसे मिलना बहुत जरूरी हो गया है ताकि तुम्हें समझाया जाए कि मंगल और मौत दोनों की एक ही राशि है। वेरी गुड, टू गुड। रास्ता क्यों रोका तुमने? हम तुमको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। मुझे तुम्हारे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि तुम हमको पूरी तरह से जानती नहीं हो। हम जिस इलाके से गुजरते हैं ना, वहाँ के लोग डर से अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते हैं। hey! हम सच बोला कि नहीं? तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत कम हुई है और उस इज्जत को लाना बहुत जरूरी है, और उसके वास्ते हम तुमको अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले हम तुमको अपना नाम बताएंगे और वो नाम तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी, क्योंकि हमारा नाम हम तुम्हारे काल पर छापेंगे। माफी मांग साले। मांग? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये क्या हो रहा है? कुछ लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं?
कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो एसपी साहब? यही आपका लॉ एंड ऑर्डर है कि शहर के एक इज्जतदार मजिस्ट्रेट को एक गुंडा भरे बाजार में थप्पड़ मारे? अगर यही आपका लॉ एंड ऑर्डर है तो उतार कर फेंक दीजिए वर्दी। ये जो आपके कंधे पर अशोक चक्र लगा है ना, इसे पहनने का हक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी नहीं है, ये गौरव से सेना को और पुलिस को दी जाती है, और इन दोनों पर इस देश की जनता की हिफाजत की जिम्मेदारी होती है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो इसे लगाने का हक भी आपको नहीं है। अरेस्ट हिम। I'm sorry, ma'am. टिबरी भी टीली, तंदा भी टीला। जब तक मिलावट नहीं करूंगा ना, तब तक ना तो टिबरी टाइट होगी और ना ही तंदा। आधे कपड़े मेरे उस फ्रीजर के बच्चे ने खराब किए हैं और आधे इस मिलावट ने। क्या जमाना आ गया है, चावल में पत्थर की मिलावट, घी में चर्बी की मिलावट। ताना इस देश की जनता जिसे बगैर मिलावट के खाना हजम नहीं होता। मिलावट शुरू कर। मक्खन सिंह मेरे पति को घर से बाहर जाते देखकर चोरी कर रहा है। ठहरो, तेरी ऐसी हालत करूंगी कि जिंदगी में कभी चोरी नहीं करोगे। चोर? क्या हुआ, तुम आ रही है? तेरे जैसे चोर के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए? कमाल है, क्यों मार रही है? मैं तेरे पति प्यारे सुनू ना। क्या सबूत है? सबूत? मैं बता रहा हूँ कि हमारी सुहागरात को क्या हुआ था। लकाल्ला। मुझे माफ कर दो, इस हाल में देखा तो मुझे लगा तुम मक्खन सिंह हो। मेरी ये हालत तो मिलावट ने बनाई है। मैंने तुमको मारा, मुझे बड़ा पाप हो गया। तुझसे तो पाप हो गया, लेकिन मेरी तो टिबरी हमेशा के लिए टीली हो गई ना। छुड़े, मुझे शीर्षासन करने में थोड़ी मदद। आइए ना, आइए आइए। बेशरम बेहया, तुझे तो पंक्चर मैं लगाऊंगी, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। आज के लिए इतना ही काफी है। हो गया तेरा काम? हाँ। मजा आया? इसमें तो मजा ही मजा है, शारीरिक और मानसिक भी। हे राम, बेहया बेशरम। इसमें बेहया का है कि ये तो मैं रोज करती हूँ। हे भगवान, एक कमारी लड़की होकर मर्दों से अपनी टांगे पकड़वाते हुए तो ये शर्म नहीं आती? अरे, योगा करने में काहे की शर्म? योगा कर रही थी या भोगा? ओफो, सूरज योगा करने में मेरी थोड़ी सी मदद कर रहा था, इसीलिए तुम्हें जलन हो रही है। अरे ओ, आज मैं इस जलन को मिटा कर ही रहूंगी। रामकली, आ गई ना चवन्नी छाप हरकतों पर? चवन्नी छापो या अठन्नी छाप, मैंने फैसला कर लिया है। यहाँ से जाने का? जी नहीं, इसे यहाँ से निकालने का। पर वो क्यों? क्योंकि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अरे क्या बात है, लेकिन पागल लड़की, ना तू मयान है और ना मैं तलवार। वो सब मुझे नहीं मालूम, बस इसे कह दो कि यहाँ से चली जाए। अगर मेरे यहाँ रहने से तुम दोनों में झगड़े होते हैं तो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं सपना, तुम यहीं रहोगी, और तुम कान खोल कर सुन लो, जब तक चाहे सपना यहीं रहेगी। तो ठीक है, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो रोका किसने? मैं सच कह रही हूँ, मैं खुदकुशी कर लूंगी। वो कैसे? वो मैं रेलगाड़ी के नीचे आके अपनी जान दे दूंगी, मुझे 12 बजे आती है। ओ, अभी 12 बजे में 10 मिनट बाकी है, जल्दी करो। मैं सच कहती हूँ, मैं चली जाऊंगी। अरे जाओ ना भाई, मैं अपनी जान दे दूंगी। कृपया जल्दी करे। गाँव वालों, सूरज से जाके कह देना कि मैं खुदकुशी कर रही हूँ। अरे राम कली, मरने के पहले आके तो खोल। नहीं 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 नहीं, अगर मैंने आंखें खोली तो मैं खुदकुशी नहीं कर सकूंगी। ये जाली किसने लगाई है?
अरे यहाँ हमेशा तेरे जैसे पागल खुदकुशी करते हैं, इसलिए हमने जाली लगाई है। चलो भाई चलो खेल कर। हे भगवान, मुझे मौत क्यों नहीं आती? रामकली, क्या है? रामकली एक बात बताता हूँ, बुरा नहीं मानना। क्या बात है? देख, खुदकुशी करने में ना तेरा बहुत बैड लक है। हाँ, वो तो है। देख ना, तूने दो बार कोशिश की, दोनों ही बार बच गई। हाँ। है ना? अब अगर तूने कहीं पहाड़ के ऊपर से कूदी मारी और बच गई तो लंगड़ी लुड़ी कुछ भी हो सकती है, है ना? हाँ। तो मैं क्या करूँ? इसलिए मैंने तेरे लिए एक आसान तरीका ढूंढा है। क्या? ये देख। ये क्या है? साइनाइड, जबान पर रखते ही खलास है। हाँ। कितनी खानी पड़ेगी? वैसे एक काफी है, तुझे जल्दी मरना है ना, इसलिए दो खा ले। मैं तीन खाऊंगी। हाँ, तीन क्यों, ये ले, तू सारी खा ले। हा? पानी। हाँ, अभी ला। ये ले। सूरज, मैं सचमुच मर जाऊंगी ना? अरे 100% मरेगी। खा लूं? एकदम। मेरे पेट में दर्द हो रही है। भगवान, इसका ख्याल रखना। मेरी सांसें भी बंद हो रही है। भगवान, इसे जल्दी उठा ले। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। भगवान, इसकी आत्मा को शांति देना। सूरज, मुझे मरता हुआ देख के तुम्हें दुख नहीं होता क्या? अरे दुख नहीं, बल्कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें तो खुशी होगी, ताकि तुम उस चुड़ैल के साथ चक्कर चला सको। अरे नहीं नहीं, खुशी इस बात की हो रही है कि तू कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। एक्टिंग? हाँ, नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें जहर की नहीं विटामिन की गोलियां दी है। हाँ? अरे पगली, तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता? मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ। सच कह रहे हो? रामकली, मुझे माफ कर दो। रामकली, मेरी वजह से तुम दोनों में झगड़ा होता था। ये बात भी सच है कि सूरज को देखने के बाद मैं उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन तुम दोनों का प्यार देखने के बाद मैंने फैसला किया सूरज तुम्हारा है। मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, मैं जा रही हूँ। सपना सुनो, मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। ऑल द बेस्ट।
मारे हो लड़की अख मारे हो प्यारे सिंह की बीवी सुनिए जी मुझे माफ कर दीजिए मैंने आपको मार के जो पाप किया उसका प्रायश्चित करने मैं मंदिर जाकर आई बहुत अच्छे मैं किसी काम से जा रहा हूँ मजा आ गया खाना खा के अरे मेरी जान गुल बदन चंद्रमुखी कहाँ से आ रही हो मक्खन सिंह तेरी ये हिम्मत मेरा नाम लेकर बुला रहा है मेरे पति के कपड़े पहनकर फिर से मेरे साथ पाप करना चाहता है कहाँ से है सुनिए सुनिए ये आदमी बहुत तंग कर रहा है क्यों मक्खन सिंह कैसा लगा अरे भगवान मैं मक्खन सिंह नहीं हूँ मैं तेरा पति प्यारे सिंह हूँ सबूत के तौर पे अपना कान ला मैं बताऊँ सुहागरात को क्या हुआ था फिर से मुझसे पाप हो गया फिर से मंदिर जाना पड़ेगा मुझे माफ कर दीजिए तू जा मंदिर जाके आ मैं डॉक्टर के पास जाके आता हूँ तू जा मैं दवा दारू लेकर आता हूँ क्या ये तुम क्या कह रहे हो बापू मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ फैसला तुम्हारे ही हक में होगा मेरी बात ध्यान से सुन लो मैंने जज के पोते को किडनैप कर लिया है और ये खबर जज तक पहुंच चुकी है वाह बापू तुमने तो कमाल कर दिया तभी लोग तुम्हें बापू कहते हैं इसके बाद वो जज भी मुझे बापू ही कहेगा जो दस्तावेज और गवाह मंगल की ओर से पेश किए गए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मंगल निर्दोष साबित होता है और उस पर गायत्री देवी को थप्पड़ मारे जाने का झूठा इल्जाम लगाया गया है यह भी साफ जाहिर होता है कि उन्होंने अपना बंगला गैर कानूनी जगह पर नहीं बनाया है उनके पास उस जमीन का लीज लाइसेंस है उस जमीन पर कानूनन मंगल का अधिकार है उस बंगले को गिराने के बदले में यह अदालत हुक्म देती है कि उसे सरकार की तरफ से दोबारा बनाया जाए और इसके साथ ही साथ मंगल को बाइज्जत बरी किया जाता है नहीं मिलोर्ड प्लीज चलो चलो बेटी प्लीज सच को छुपाया जा रहा है ये नाइंसाफी है जानता हूं गायत्री आई नो रिलैक्स प्लीज गायत्री देवी तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि कानून अंधा होता है चलो आज तुमने अपनी खुली आंखों से देख भी लिया कि तुम्हारा ये कानून किस हद तक अंधा है तुम्हारा ये कानून हम जैसे मुजरिमों की तरफ देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है उसकी आंखें खुलती हैं तो सिर्फ तुम जैसी इज्जतदार हस्ती का भरी अदालत में अपमान करने के लिए मेरी रिहाई मुबारक हो ऐरो मंगल तुमने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि कानून अंधा होता है लेकिन शायद ये कहावत नहीं सुनी होगी कि कानून के पास देर है लेकिन अंधेर नहीं याद रखना मंगल एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारे घर से घसीटता हुआ ले जाकर सलाखों के पीछे बंद कर दूंगा
तुम्हें ख्वाब देखने का बड़ा शौक लगता है एसपी, अच्छी बात है, देखते रहो। चलो गायत्री। जेल से छूटने पर बधाई हो मंगल दादा। देखो तुम्हारे स्वागत के लिए क्या इंतजाम किया है। हमें तुम्हारा इंतजाम पसंद आया नीलकंठ। हम भी जेल से छूटने के बाद तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क भी हमारी तरह कमीना है नीलकंठ। जिस तरह हम इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, उसी तरह वो भी इस देश को दीमक की तरह खा जाना चाहता है। ये अफीम और ब्राउन शुगर वहीं से आया है। इसमें 20 लाख रुपए हैं, तुम्हारी कीमत। आओ। आज मैं आपके हत्यारे के घर तक तो पहुंचने में कामयाब हो गई हूं। आपका आशीर्वाद रहा तो एक दिन मेरे हाथ उसके गिरेबान तक भी पहुंच जाएंगे। तुम? ये सब क्या है? कुछ नहीं। देखो मुझसे कुछ मत छिपाओ, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। बोलो रामकली, क्या बात है? बिना वजह से कोई ऐसे लोग के घर नहीं जाता जिसे पूरी तरह से जान पहचान ना हो। तुम्हारी आंखें बता रही है कोई राज है जो तुम मुझसे छिपाने की कोशिश कर रही हो। छुपाना तो चाहती थी लेकिन अब नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ तुम ही तो हो जिसे मैं अपने दिल की बात कह सकती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे पापा का हिंदुस्तान में अच्छा खासा बिजनेस था। फिर एक दिन वो बाहर के देशों में अपना बिजनेस करने के लिए यहां अपने मैनेजर की देखरेख में सब कुछ छोड़कर सिंगापुर चले गए। और जब वो वापस लौटे, ले ले पिए। नीलकंठ, ये मेरे घर में क्या हो रहा है? मैंने अपने बिजनेस और जायदाद की देखभाल के लिए तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी और तुम यहाँ बैठे अय्याशी कर रहे हो। तुम्हारा घर? किसने कहा है तुम्हारा घर है? क्या? नीलकंठ, जबान संभाल कर बात करो। मिस्टर सेठ, तुमने जो ब्लैंक पेपर साइन करके दिए थे, उस ब्लैंक पेपर पे मैंने तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी लिख दी है। अब इस प्रॉपर्टी से और बिजनेस से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। यह सरासर धोखा है, विश्वासघात है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें सीधे रास्ते से चलना वरना थक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। चल पड़े। यही है मेरी कहानी। मेरा असली नाम रामकली नहीं, सुनीता है। उस नीलकंठ तक पहुंचने के लिए मैंने इस गांव में आकर दुकान खोली और हर कदम पर उसका पीछा करती रही। उसने तुम्हें फंसाने के लिए तुम्हारे ट्रक में चरस और अफीम रखवाया था, इसलिए मैं जबरदस्ती तुम्हारे ट्रक में चढ़ गई और उन सब चीजों को फेंक दिया और तुम्हें पुलिस से बचा लिया। जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लेती, मेरे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम फिक्र मत करो सुनीता, आज के बाद तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। सूरज। मुनीम जी, आपसे को मिलने आया है। जाओ, कह दो उसे टाइम नहीं है, सो रहे हैं। सर, वो कहता है कि बिजनेस की बात करनी है। बिजनेस? क्या नाम बताया? नाम तो नहीं बताया पर सरदार जी हैं। अच्छा, जा जाके भेज उसे। सरदार जी, आपको मुनीम जी ने बुलाया है। ओए बल्ले बल्ले, Thank you.
सत श्री अकाल। हाँ तो सरदार जी आपने अपना नाम क्या बताया? ओए पूतनी दया, ना तो मैं दस्या ही नहीं होने, तू ना ही पूछता रहेगा कि तन्ने दी भी गल करेगा। खैर मैं तेनू एक बार होर अपना नाम दस देना है। जी मेरा नाम है कहर सिंह परमानेंट। सरदार जी ये कहर सिंह तो ठीक है मगर ये परमानेंट का क्या मतलब है? ओए खोते तू परमानेंट नहीं समझदा? नहीं ओ गल हैगी कि जिथे भी असि जाने उथे ही कैट आने ते ओ भी परमानेंट। वैसे ए मेरा तखल्लुस है। एक और गल दसा जी, मैं शायरी भी बड़ी अच्छी कर लेना है। सुनोगे? बह जाओ। ओ इस तरह है, हुन तू समझ ले, हुन तू समझ ले इस चेहरे ते इस दिल दा मतलब, हुन तू समझ ले इस चेहरे ते इस दिल दा मतलब, दौलते हुस्न ते दरबान बिठा रखी। कैसा लगा? करण जैसा लगा। अच्छा तो सदा जी आप धंधे की बात करें। हाँ हाँ बताइए आपको क्या चाहिए? ओए पेंदे टके सानू सब कुछ चाहिदा है। तू ए दस तेरे कोल है कि सानू 20-25 लाख दा सामान चाहिदा है? 20-25 लाख? अरे सरदार जी हमारे पास में चरस से लेके राइफल AK-56 तक सब है। खुश किता ओए खुश किता। माल दिखा। माल ऐसे कैसे दिखा दूं? पहले पैसे निकालो, फुल एंड फाइनल करो, उस जगह का पता बताओ, फिर उसके बाद में माल पहुंच जाएगा। माल तो एसपी की पार्टी के पास भेजना है। क्या 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 कहा तुमने? एसपी कौन हो तुम? ओए खोते एसपी का मतलब है समुंदर पार। माल समुंदर पार वाली पार्टी के पास भेजना है। अच्छा अच्छा अच्छा। और पैसा? पैसा CID। क्या CID? ओए पूतनी दया, CID मतलब कैश एंड डील। पैसा देंगे और माल लेंगे, यही होता है COP। COP मतलब कमिश्नर ऑफ पुलिस? ओए नहीं यार, कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं, ये है चक्कर ऑफ परमानेंट। अच्छा तो तू है कहर सिंह परमानेंट। तभी मैं सोचूं ये बार बार मुझे 440 वोल्ट्स के झटके क्यों लग रहे थे। देख अब मैं तेरा कैसा परमानेंट बंदोबस्त करता हूँ। गार्ड्स पता पता क्यों आई थी यहाँ पर तू? तेरा फुल एंड फाइनल करने। अरे चुप कर, फुल एंड फाइनल तो मैं करता हूँ तेरा। क्या है तो टेप रिकॉर्डर भी है? नहीं गार्ड्स ले जाओ इस भरदी टक्की को गोडाउन में, वही करता हूँ इसका फुल एंड फाइनल। बापू बापू छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, पकड़ के तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। सूरज आएगा तो तुम बहुत पछताओगे। आने दो सूरज को। जब देखो ये क्या?
बापू यहाँ तो हमारे आदमियों का फुल एंड फाइनल हो गया है। वो लड़की किधर है? सूरज आके उस लड़की को ले गया। सूरज बापू उस लड़की को हमारे यहाँ आके हमारे राज रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी? इसके बाद हमें थोड़ा होशियार ही रहना पड़ेगा। जो कुछ भी मैंने रिकॉर्ड किया था उस टेप को तो आकर मुनीम ने छीन लिया। अच्छा हुआ जो तुम सही वक्त पर आ गए और आकर मेरी जान बचा ली। मैंने तेरी नहीं रे, अपनी जान बचाई है। छत के ऊपर से कबूतर।
कर करके बुलाए क्यों, उतर उतर नजदीक आए क्यों, बुलाए क्यों, बुलाए क्यों, कबूतरी बोले कबूतर से, कबूतर से मुझे छेड़ न छत के ऊपर से, मुझे छेड़ न छत के ऊपर से, साठ सत्तर लो, पी लो। ये क्या है? इससे दंत मजबूत होगा। अच्छा सौ दो सौ अरे तुझे कितनी बार कहा है जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो ऐसी हरकतें मत किया कर। आओ ना। अरे अरे तेरा हाथ कितना गर्म है, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। देखो 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 बुखार भी है, तू ठहर मैं दवा लेकर आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे अरे क्या कर रहे हो, दरवाजा बंद क्यों कर रहे हो? ऐसी हालत में मरीज को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है टिबरी टिली। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए दवा लेकर आता हूँ। अरे खोलो ना, खोलो ना। मक्खन सिंह, प्यारे सिंह किड्डा भी बुरा आदमी क्यों ना हो, लेकिन ट्रक यूनियन के लिए चंदा जरूर देगा। आखिर उसका बाप भी ट्रक ड्राइवर था। खोलो ना। हैं? ये क्या? बाहर से कुंडी, अंदर से ठोक ठोक ठोक। देखता हूँ। देखो जी, मैं तो चंदा लेने के लिए आया हूँ ना। क्या करती रहती है तू? कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ नहीं हुआ, मेरे मंगलसूत्र ने मुझे बचा लिया। हे भगवान, तेरा लख लख शुक्र है। लेकिन अब लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुमने उस औरत को चूमने कैसे दिया? मैं क्या करता, वो जबरदस्ती मेरे गले पड़ गई ना। भगवान भला करे उस पति का जो वक्त पे आ गया, अगर वो वक्त पे नहीं आता तो मेरा क्या होता? पता नहीं तेरा क्या होता, लेकिन मेरा तो हो जाता। क्या मतलब? मतलब हम दोनों जुगल गीत की ट्यून गा लेते ना। क्या कर रही है तू? तेरा ये निशान साबुन से उतरता नहीं, इसीलिए इससे उतारूंगी। दिमाग तूने खराब हो गया? अरे मैं भैंस थोड़ी हूँ, मैं इंसान हूँ। अरे तो दीवारों पर रगड़ने वाला पुरुष है। चमड़ी उतर गई तो मैं छुरी ही मुर्गी बन जाऊंगा। अगर ये निशान नहीं उतरा तो मैं तुझे तलाक दे दूंगी, फिर उसके घर के बाहर खड़े होकर गाना जुमा जुमा दे दे। ये मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? अच्छा मक्खन, ये बता कि ये राम और श्याम का क्या चक्कर है? मेरा मतलब कि तुम दोनों एक जैसे कैसे हो? ये सब आनंद भैरवी का कमाल है, उसी की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। आनंद भैरवी? ये क्या? जिस धुन में युगल गीत गाते हैं ना, उसे आनंद भैरवी कहते हैं। मेरे बाबूजी प्यारा सिंह के पिता के यहाँ ड्राइवरी का काम करते थे, लेकिन प्यारा सिंह की माँ को लंबी ड्राइव पे जाने का बड़ा शौक था। एक दिन हाईवे पे दोनों का एक्सीडेंट हो गया, और परमानेंट हो गया। उसी एक्सीडेंट को जो डेंट है ना, वो है प्यारा सिंह। चलो हम दोनों भी वैसा ही एक्सीडेंट करते हैं, शायद डबल रोल से ट्रिपल रोल हो जाए। आओ बापू आओ। मंगल, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर लाया हूँ। ऐसी कौन सी खबर है जिसके लिए तुम्हें खुद यहाँ आना पड़ा? वो जज है ना जिसने तुम्हें बरी किया था? हाँ हाँ, क्या हुआ उसको? उसको कुछ नहीं हुआ, वो तुम्हारा फुल एंड फाइनल करना चाहता है। ए, मुनीम के बच्चे। बापू, बापू। वो उस केस को फिर से ओपन करने जा रहा है, और वकील की हैसियत से हमारे खिलाफ लड़ेगा। वो एक जज होते हुए वकील बनकर पैरवी कैसे कर सकता है? जज के ओहदे से उसने इस्तीफा दे दिया है मंगल।
लगता है उसका जिंदगी से इस्तीफा देने का दिन आ गया है। वो भूल गया है कि मौत और मंगल दोनों की एक ही राशि है। अब उससे मिलना बहुत जरूरी हो गया है। यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमें यहाँ देखकर हमारी हिम्मत का अंदाजा तो तुम्हें लग ही गया होगा जज। इस केस को बंद कर दो, घड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं। जिस दिन मैंने वो फैसला सुनाया था, उस दिन से मेरी अंतरात्मा मुझे कचोट रही है, क्योंकि फैसला सुनाते वक्त मैंने उसका गला घोट दिया था। लेकिन आज वही आवाज मुझे इंसाफ करने के लिए उकसा रही है। जज साहब, ऐसा करने से पहले एक बार फिर से सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने अपने परिवार को ऐसी जगह भेजा है जहाँ तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं पहुँच सकते। अब हम तुम्हें ऐसी जगह पहुँचा देंगे जहाँ तुम्हारे परिवार वाले तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते तक नहीं पहुँच पाएंगे। खून कर दिया। फिर इनकी लाश यहाँ कैसे आ गई? पता नहीं, मैं तो अलमारी में कपड़े निकाल रहा था, अचानक ये अलमारी। आइए साहब, आप ये देख रहा हूँ, लाश भी देख रहा हूँ, और उसके साथ में खड़े हुए उसके कातिलों को भी। हमने कोई कत्ल नहीं किया। तो क्या, लाश ने अपना कत्ल करके खुद यहाँ पर चलकर आ गई? ये तो हमारे खिलाफ साजिश है, हम क्यों जज साहब का खून करेंगे? बदला, क्योंकि इस जज ने तुम दोनों के खिलाफ फैसला दिया और तुमने इसे मौत की सजा सुना दी। बट सर, बात ऐसी, बस मकतूल, कातिल और सबूत मेरे सामने है। तुम दोनों कानून के फर्ज से अच्छी तरह वाकिफ हो, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है तुम लोग ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे जिससे कानून को शर्मिंदा होना पड़े। चलिए। मैडम, आप लोगों की जमानत हो गई। जमानत किसने दी? सूरज ने। सूरज, आपकी गाड़ी तैयार है, आप घर जाइए। इतना सब कुछ होने के बाद मैं उस सरकारी गाड़ी का कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ? और जब तक हम निर्दोष साबित नहीं होते, हम उस सरकारी घर में पाव भी नहीं रखेंगे। फिर आप कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? मेरे साथ रहेंगे। सूरज। हाँ भाभी, घर चलो। तुम्हारे घर? समझ लो तुम्हारा ही घर है। मैं अक्सर सोचा करता था एक दिन भैया और भाभी को अपने घर जरूर ले जाऊंगा, लेकिन वो दिन ऐसे आएगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। चलो भाभी, चलो भैया। मेम साहब, कपड़े। मक्खन सिंह आज कपड़े आकर दे भी गया। कितना अच्छा है मेरा मक्खन सिंह, कितना ख्याल रखता है मेरा। अच्छे से तेल लगा दूं तो गर्मी आ जाएगी, फिर क्या होगा, फिर चनक चनक पायल बाजे। मेम साहब, मेम साहब, आपसे गलती हो गई। क्या हुआ? अरे मक्खन, घर चल, पायल तो मैं तेरी बजाऊंगी। शर्म नहीं आती पराई औरत से तेल लगवाते हुए? ये तेरा नहीं, मेरा पति है। मेरा मक्खन सिंह प्यारे, मक्खन सिंह प्यारे, मक्खन सिंह प्यारे, मक्खन सिंह। तू मक्खन सिंह है? मैं कह रहा हूँ मैं तेरा प्यारा हूँ। नहीं, तू मेरा मक्खन है। हाँ, मैं तेरा मक्खन। तू सच सच बता। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं तेरा प्यारा हूँ, तेरा प्यारा हूँ। तू सच बोल, तू
तू मेरा मक्खन है कि नहीं? मैं तेरा मक्खन अभी बताती हूँ। अभी सच सच बताओ। अच्छा अच्छा मामा देख मैं बताता हूँ, मैं ही तेरा प्यारा हूँ। मैं तुझे बताता हूँ कि अपनी सुहागरात को क्या हुआ था, फिर तुझे यकीन हो जाएगा ना। तू तो सचमुच मेरा प्यारा है, कह दो उसे। मेम साहब मुझे माफ कर देना, बाहर कपड़े देखकर मुझे लगा कि मेरा मक्खन अंदर है, मुझे माफ कर दो। वाह वाह भगवान, इस हाथी छाप तेल से तो वाकई मेरे पूरे बदन में गर्मी आ गई है। या! अच्छा हुआ अब इस निशान को देख के मैं तुझे आसानी से पहचान लूंगी। भैया खाओ, अब मैं पानी लेकर आता हूं। रोटी पकाते वक्त क्या सोचते रहते हो? सभी की सभी रोटियां कच्ची हैं। रोटियां मीठी तब लगती हैं जब अपने खून पसीने की कमाई हुई होती हैं। बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां खाने वाले को कच्ची तो लगेंगी ही। थैंक यू भाई साहब, आज मुझे मालूम हुआ कि भाई की कमाई की रोटी हराम की रोटी होती है। भैया आप फिर अतीत में खो गए, खाइए ना। छोटों की जिद के आगे बड़ों को झुकना ही पड़ता है, लो खाओ। भैया भाभी बरसों तुम्हारे हाथ का खाना खाया, आज तुम्हें मेरे हाथ से खाना होगा, चलो खाओ। जो मान सम्मान आपसे छीना गया भैया, मैं उसे वापस लाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप निर्दोष हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा सूरज, जज साहब का कातिल मंगल है, उसी ने उनका खून किया है। ये तुम कैसे जानती हो? मैंने अपनी आंखों से खून होते हुए देखा है, मैंने कुछ फोटोग्राफ लिए थे, लेकिन लेकिन एक्सीडेंट में वो कैमरा मुझसे टूट गया। तुम चिंता मत करो, मेरे लिए इतना ही जान लेना काफी है कि खून मंगल ने किया है। बापू 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 गजब हो गया बापू, गजब हो गया। सूरज ने एसपी को बेल देकर छुड़ा दिया है, और लगता है वो हम लोगों का भी पुल एंड फाइनल कर देगा। तुम यहाँ कैसे? बता मंगल ने जज साहब का खून क्यों किया और कैसे किया? कौन मंगल? कैसा खून? मैं कुछ नहीं जानता। मत मारो, बताता हूँ। बाबू ने जज के पोते को किडनैप कर लिया था, जिसकी वजह से जज को गलत फैसला देना पड़ा, लेकिन जज ने उन्हें धमकी दी कि वो इस केस को रीओपन करके ही रहेगा। लेकिन इसके पहले के जज केस को रीओपन करे, इन लोगों ने जज का फुल एंड फाइनल कर दिया और उसकी लाश को एसपी साहब के घर के कपाट में रख दिया और आईजी साहब को फोन कर दिया। इस तरह से एसपी साहब और मजिस्ट्रेट साहिबा को उन लोगों ने जज के कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया। मंगल का अड्डा कहाँ है? मंगल का अड्डा कर दिया ना मेरा फुल एंड फाइनल। मैं अपने रास्ते के कांटों को साफ करना अच्छी तरह से जानता हूं, और अब इस रिवॉल्वर की दूसरी गोली पर शायद तुम्हारा नाम लिखा है। धरती की कोख से अभी तक वो लोहा पैदा नहीं हुआ जिससे ऐसी गोली बनाई जा सके जिस पर सूरज का नाम लिखा हो। पीछे मुड़कर देख, वरना मेरी गोली तुम्हारी खोपड़ी का ऐसा कचूमर बनाएगी जिसे चील और कौवे भी नहीं खाएंगे। अब तुम देखना कि तुम लोगों को तुम्हारी चाल में कैसे फंसाता हूं। यहां महाकाली के जंगल में जहां मैंने ब्राउन शुगर छुपाया था, वहां 50 किलो सोने के बिस्किट। ठीक है बाबू, मैं अभी पहुंचता हूं। पुलिस स्टेशन, मैं नीलकंठ बोल रहा हूं। देखिए मेरी मुनिम का मेरे पार्टनर ने खून कर दिया है।
और उसकी लाश को वो महाकाली के जंगल में दफना रहा है। अगर आप यहां आ जाए तो मैं आपको उस जगह ले जा सकता हूं। इंस्पेक्टर, ये खून मैंने किया है, मुझे अरेस्ट करो। नीलकंठ जी, आप पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट लिखवाइए, चलिए। हाँ चलिए ना। राम अवतार, तुमने ये खून का झूठा इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया? ये इल्जाम मैंने अपने ऊपर नहीं लिया, बल्कि मैंने खून किया है और मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। खून तुमने नहीं किया है, क्योंकि इस खून का मैं चश्मदीद गवाह हूं। अगर आप गवाह है तो कोर्ट में जाके मेरे खिलाफ गवाही दीजिए। वकीलों की तरह मुझसे बहस क्यों कर रहे हैं? तुम जानते नहीं राम अवतार, तुम्हें फांसी हो जाएगी। मुझे फांसी की परवाह नहीं है। क्या तुम्हें अपनी पत्नी की भी परवाह नहीं? तुलसी, तुम यहां क्यों आए? हमारा बच्चा कैसा है, ठीक है ना? जिन लोगों के लिए आप मौत को गले लगा रहे हो, उन लोगों ने आपके बेटे के मामले में कोई मदद नहीं की। आपके बेटे ने सरकारी अस्पताल में लावारिस की तरह दम तोड़ दिया। नहीं तुलसी, नहीं तुलसी, नहीं, ये नहीं हो सकता है। पागल मत बनो राम अवतार, यही वक्त है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा किया है उनसे तुम बदला ले सकते हो। हाँ साहब, मैं कोर्ट में उनके खिलाफ सब कुछ बता दूंगा। मुझे कोर्ट लेके चलो प्लीज साहब। मैं बेकसूर हूं, उन्होंने मुझे मेरे बेटे के इलाज का लालच देकर मुझे इस खून में फंसाया साहब। मुझे कोर्ट लेके चलो साहब, मैं सब कुछ बता दूंगा। किसने फंसाया तुम्हें? बताओ राम अवतार, किसके कहने पर तुमने यह झूठा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, बताओ। मंगल। राम अवतार कोर्ट में यह कबूल करने जा रहा है कि हमने उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। अगर ऐसा हो गया तो अपना सारा गेम पलटी हो सकता है। अपना एक मोहरा अगर दूसरे के पास चला जाए तो इसका यह मतलब नहीं कि हम बाजी हार गए। नीलकंठ, अपने मोहरे को कैसे वापस लाया जाए ये मंगल अच्छी तरह जानता है। मंगल, टू गुड मंगल। दादा दादा दादा, ओके, क्या बेवकूफ बनाया दादा उनको। आप तो सही मायने में दादा है। दादा, आपको ये चाल कैसे सूझी? मुझे अपने जाल में फंसाने चले थे। अरे मंगल का बायां हाथ नहीं जानता कि दायां क्या करने वाला है, तो ये मुझे क्या फंसाएंगे शक्ति? मंगल, दुनिया में किसी माँ के पास ऐसी कोख नहीं जिसमें रमाकांत से भागा हुआ मुजरिम छिप कर बैठ सके। Thank you.
तुम्हें अपनी मर्दानगी पर बहुत नाज है ना रमाकांत, लेकिन देखना आज तुम्हें अपने मर्द होने पर बड़ा अफसोस होगा। भाभी, भैया, भैया ये सब क्या हो गया? भैया किसने किया ये सब? बताओ भैया बताओ। मंगल, मंगल ने तुम्हारी भाभी बेबी और रामकली को किडनैप कर लिया है। वो चाहता कि हम राम अवतार को उसके हवाले कर दें। जगह मैं तय करूंगा, गोगरा घाट नहीं। तुम राम अवतार को लेकर जलालाबाद के इलाके में आ जाना, और अगर किसी किस्म की होशियारी की तो अपनी भाभी बच्ची और रामकली को जिंदा ले जाने के बजाय उनकी लाशें भी नहीं ले जा पाओगे। ले आया हूं, तुम भाभी रामकली और बच्ची को छोड़ दो। भैया को, भैया ठीक है भाभी। सूरज, ये सब क्या है? जो खेल तुमने मेरे साथ खेला था ये उसका जवाब है। बहुत होशियार समझते हो ना अपने आप को? अरे बेवकूफ, गधे का कद कितना ऊंचा क्यों ना हो जाए, बैठे हुए हाथी की भी बराबरी नहीं कर सकता। राम अवतार इस वक्त कोर्ट में तुम सबके खिलाफ गवाही दे रहा है। तुम लोग यहां से जिंदा लौट कर वापस नहीं जाओगे, भून के रख दो इन्हें।
नीलकंठ, 15 साल पुरानी कहानी याद कर। सूरज ने जिस बहादुरी और दिलेरी से देश के गद्दारों का सफाया किया है, उसे देखते हुए सूरज को पुलिस फोर्स में नियुक्त किया जाता है। गिव हिम अ बिग हैंड। छत के ऊपर से मुझे देख ले, छत के